छतरपुर में हुई घटना को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस का एक डेलीगेशन आज घटना की शिकायत करने डीजीपी कार्यालय पहुंचा। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने डीजीपी सुधीर सक्सेना से मुलाकात कर छतरपुर मामले पर बातचीत की। जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश की पुलिस सर्विस बुक का पालन करना भूल गई है, सिर्फ बीजेपी की विचारधारा के लिए काम कर रही है। मध्य प्रदेश में न्यायिक शक्तियों का जितना दुरुपयोग हो रहा है उतना देश में कहीं नहीं होता। संविधान स्थापित न्याय प्रक्रिया है जिसको नजरअंदाज करके बुलडोजर प्रवृत्ति को अपनाया जा रहा है। पटवारी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो नियम अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि यह स्वस्थ संविधान प्रक्रियाओं के खिलाफ है और कांग्रेस पार्टी ने यही बात आज यहां के पुलिस प्रशासन को समझाने की कोशिश की। संविधान की स्थापित न्याय प्रक्रिया है जिसको नजरअंदाज करके बुलडोजर प्रवृत्ति मध्य प्रदेश में जो आई है, ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि अदालतों के कानून के संविधान के परंपराओं को हम नहीं मानते। अपराध करता है कानून उसके साथ जो नियम सम्मत कानून है उसके हिसाब से काम करता है, करना भी चाहिए, पर दहशत बना के डरा के बीजेपी के स्वार्थ को सिद्ध करना और इस तरह की भावना व्यक्त करना कि हम जो चाहेंगे करेंगे, ये स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का हिस्सा नहीं। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने आरोप लगाते हुए कहा कि एमपी में कांग्रेसियों के ऊपर फर्जी आरोप लगाकर कार्रवाई की जा रही है। अगर कोई आरोपी है तो पकड़े, हम निष्पक्ष जांच का समर्थन करते हैं, लेकिन पुलिस क्यों राजनीतिक रूप से सहयोग कर रही है? हम लोग इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और मानव अधिकार आयोग जाएंगे और सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, चाहे छतरपुर का कार्यकर्ता हो, तो इस प्रकार सभी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर पुलिस प्रशासन के माध्यम से इस प्रकार की कार्रवाई कर रही है। अगर कोई आरोपी है तो आरोपी को पकड़े, हम इस पर निष्पक्ष जांच की बात करते हैं किसी भी घटना, लेकिन पुलिस क्यों राजनीति के रूप से सहयोग कर रही है? पुलिस को निष्पक्ष रूप से अपनी कार्रवाई करना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF ranked for 5 consecutive years. आप देख रहे हैं दखल न्यूज।